पूरा गमगीन माहौल बना हुआ है। वह भूतपूर्व सैनिकों ने आज पाकिस्तान के इमरान खान का पुतला जलाया और पाकिस्तान का झंडा जलाया। इन्होंने रोज प्रदर्शन पर स्वरूप ये सब किया है क्योंकि वैली सैनिक हमारे जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर मारे गए थे उसके रोष में ये प्रदर्शन किया गया है। अश्विनी भल्ला की रिपोर्ट, पंजाब से न्यूज समाचार इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्से और शोक की लहर फैल गई है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। धूरी में सामाजिक संगठनों और भूतपूर्व सैनिकों ने स्टेशन के पास पाकिस्तान का पुतला फूंका और जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सुखदर्शन सिंह भुल्लर ने लोगों व पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आया है। अब की बार हमारे सैनिकों पर आतंकियों ने हमला पाकिस्तान की शह पर हुआ है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से इसका बदला लेने की मांग करते हैं। दिन दिहाड़े रोज कितने सालों तो ये पाकिस्तान साढ़े वीर जवानों दिया जाना ला रहा है। किन्ने ही परिवार दुखी हो रहे हैं। असी बहुत टाइम तो उड़ीक रहे हाँ किन्ने हमले पाकिस्तान ने साढ़े देश के उत्ते किए हैं। पहले 1948 1965 1971 तो कारगिल युद्ध भी किया। हर हमला करना पड़ा लेकिन वो बार बार अजय समझ नहीं रहा। हूँ उसने एक नवी चाल पंजी चाल चली है ताकि गुरीला युद्ध होंगी नहीं मिल रही। तो उसने इस तरह दट्टिया हरकत धोखे साढ़े जवानों खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसका सानू सारे सख्त रोस है। तो यदा असं पाकिस्तान का डट के विरोध करते हाँ। तो उदा ने प्रधानमंत्री बुलाने का वादा किया है, करतारपुर कोरीडोर खोलने का वादा किया है, नवजोत सिंह सिद्धू नाल गलबात की है। सानू हूँ काफ़ी नवी टार्च बजी सी कि साढ़े देश के नाल हूँ कुछ चंगे रिलेशन बनाएंगे तो मिलजुल के चलेंगे। तो साढ़े तो आपकी फौज अपना देश हिंदुस्तान के हवाले कर दो ताकि असी पाकिस्तान की खुशहाली को बहाल करके दिखाई।